उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद में काम करने के तरीके को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संसद में काम करने के केवल दो ही तरीके हैं, आप या तो बात करते हैं या बाहर चले जाते हैं, मगर कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, अन्यथा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खेड़ी के पास नेशनल हाईवे को आज खोल दिया गया है। बता दें कि कल भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद हो गया था, जिसके बाद मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। केरल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 37 लोगों की मौत हो गई। वरिष्ठ एसपीएम नेता और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी की हालत एक बार फिर से गंभीर है। वह वेंटिलेटर पर हैं और उन्हें किडनी संबंधी शिकायत के बाद 10 अगस्त को अस्पताल में दोबारा भर्ती करवाया गया है। सतलुज दरिया पर भारतीय सेना द्वारा बनाया गया हुसैनी वाला पुल आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोगों को समर्पित कर दिया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी और सांसद शेर सिंह घुबाया समेत अन्य नेता भी उपस्थित थे। नवाशहर के गांव बेगमपुर में बीती रात करीब 1:30 बजे काला कच्छा गिरोह के 6 सदस्यों द्वारा एक घर में घुसकर हमला कर दिया गया। इस दौरान 60 से 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 वर्षीय एक युवक को गंभीर घायल कर दिया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत 16 राज्यों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होने के आसार हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बेटे राहुल आनंद को हिरासत में लिया था, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने आभूषण कारोबारी से लूटपाट की। आरोपी पीड़ित से 15 लाख रुपए की कीमत का आभूषण लेकर मौके से फरार हो गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर वीएस नायपाल का आज निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे।